अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज मैंने ये सोचा कि हमें आपस में कोई थोड़ी सी इंटरेक्शन करनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, विच इज़ समथिंग रियली नाइस। मैं बड़ी थैंकफुल हूँ आप लोगों की कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आज मैंने ये सोचा कि हम थोड़ी सी इंटरेक्शन आपस में करें ताकि आपको थोड़ा मेरे बारे में पता चले और आइडियाज़ आपको मैं शेयर कर सकूँ। अच्छा, आज की जो मैं वीडियो अपलोड करने लगी हूँ वो है बेसिकली समर क्लोथिंग के बारे में। तो मैं आपको डिज़ाइंस तो अभी थोड़ी देर के बाद शो अप करूँगी, लेकिन मैं इसमें आपको एक टिप देना चाहती हूँ। टिप ये है कि हम में से एवरी सेकेंड पर्सन, हम मॉल्स में अक्सर फिरते हैं, ब्रांड्स में जाते हैं, तो इसकी जाहिर हम बहुत सारे डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, लेकिन प्राइस वाइज अगर हम रेडी टू वेयर लें तो बहुत कॉस्टली होता है। हम एक ही टाइम पे बहुत सारी शर्ट्स या टू पीस नहीं ले सकते। तो अगर आपको कोई डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप ऐसा करें कि आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें या आप तस्वीर ले लें, विच एवर यू लाइक। और क्योंकि यूजली मुझे अच्छा लगता है लेसेस का काम ट्राउज़र्स वगैरह पे, तो मैं यही करती हूँ कि मैं उसकी तस्वीर ले लेती हूँ, और अगर आपका टेलर बहुत अच्छा है तो वो आपको एज इट इज स्टिच करके दे देगा। फॉर्चुनेटली मेरा टेलर बहुत अच्छा है, तो जैसा मैं उसको कहूँ वो स्टिच कर देता है। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका वही जो डिज़ाइन मार्केट में चल रहा होगा उसी स्टाइल के कपड़े भी सिल जाते हैं और आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। तो आइए जी, अब हम चल के देखते हैं कि आज की मेरी वीडियो में क्या है। अच्छा, ये फर्स्ट मेरे पास शर्ट है सैफायर की। इसके बॉर्डर को मैंने गले पे, बाजुओं पे और घेरे पे इस तरह से मैंने बॉर्डर किया है। साथ एक नॉर्मल मैंने शटल की लेस ली है और उसको उसके साइड्स पे लगाया है, इसी तरह गले पे, बाजू पे, और हाफ एन इंच की ये पट्टी है गले पे। इसके साथ मैंने इसको टसल्स लगा लिए हैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट करने के लिए, और साथ छल्ली डाई मैंने करवा लिया। देखें आप, ये पूरा मेरा ड्रेस तैयार हो गया। ट्राउज़र भी सेम शेड का मैंने अलग से ले लिया। दिस इज़ अ थ्री पीस आई बॉट फ्रॉम सतरंगी। इस पे देखें मैंने वही शटल की लेस लगाई है बॉर्डर बाजू पे। शटल की लेस के साथ ही मैंने इसको हाईलाइट किया है, यानी दरमियान में तरीज़ों में भी डाला है और आर्म होल पे भी डाला है। बॉर्डर पे सिंपल शर्ट का बॉर्डर है और पाइपिंग यूजुअली जो हम गर्मियों के कपड़ों पे यूज़ कर लेते हैं। और ये आप देखें, बाजुओं पे मैंने एल शेप में इसको लगाया है पट्टी। बैक पे ज़िप है क्योंकि मुझे ज़िप पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी लगाएं। ट्राउज़र इसका रेड जो बहुत इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, जिस पे मैंने वही लेस जो तरीसों पे डाली थी वही मैंने पजामे पे भी लगाई है। क्योंकि लॉन का दुपट्टा है इसको मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, सिंपल सी पीको कराई है मैंने इसको। और ये देखिए मेरा थ्री पीस है, थोड़ा सा मैंने इसको लेसेस लगा के स्टाइलिश कर दिया, एंड ऑल इट गोज़ लाइक दिस। आप ये देखें, सिंपल एंड एलिगेंट। ओके, नाउ दिस इज़ अ शर्ट फ्रॉम निशात। इसका बॉर्डर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, डबल बॉर्डर मैंने बाजुओं पे लगाया है। हाफ हाफ इंच का बॉर्डर अच्छा एलिगेंट लगता है। ये मैंने लगा लिया, इसकी जो नेकलाइन है वो ज़िप मैंने लगाई है। अच्छा, उसी तरह बॉर्डर मैंने हाफ एन इंच का इसके घेरे पे किया है, और क्योंकि डिफरेंट शेड का इसका बॉर्डर था तो वो उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। देन अगेन मैंने इस पे गले पे फ्रंट पे ज़िप लगाई है, आप सीधी भी लगवा सकते हैं, टेढ़ी भी। बैक साइड पे देखें, बाजुओं की तरह की मैंने उसी तरह हाफ हाफ इंच की दो पट्टियाँ लगवाई हैं, जिसको आप कहते हैं योक, लेकिन खैर मैंने योक नहीं बनाई, मैंने नॉर्मल शर्ट के ऊपर ही टेलर ने रख के पट्टी लगा ली है। सो ये मेरी ओवरऑल शर्ट है जो मैंने तैयार की है। चुनरी प्रिंट है, मुझे हमेशा से चुनरी प्रिंट बहुत अपील करता है,
ज़्यादातर लोगों को करता है। इसके साथ इसका एक दुपट्टा है, ये भी निशात के टू पीस था ये दुपट्टा। देन अगेन लॉन का है तो मैंने उसको बिल्कुल सिंपल रखा है। आप चाहें तो हल्की सी शटल की या क्रोशिया वाली लेस भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी एलिगेंट लगती है। वाइट ट्राउज़र के साथ आप इसको पहने, बहुत सूट करती है इसके साथ। ये थी आज की वीडियो। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये तो कुछ डिज़ाइंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं और आप इस तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। छोटा छोटा मिनिमल सा काम करके आप अपने कपड़ों को किस तरह अट्रैक्टिव बना सकते हैं, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, एनी काइंड ऑफ ड्रेसेस, आप उनके ऊपर यही चीज़ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स करेंगे तो आप बहुत स्टाइलिश लगेंगे, आई श्योर यू। आपने मेरी वीडियोस पहले भी देखी, आज की भी देखी, थैंक्स फॉर वॉचिंग देम, थैंक्स फॉर लाइकिंग देम। और अगर आपको कोई मुझसे रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या सजेशन लेनी है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर प्लीज़ बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में अगर मेरा आपको चैनल पसंद है तो आप उसको रेफ़र करें। थैंक यू वेरी मच। ओके।